हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th आपका एक बार फिर से लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का विषय है कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई। जैसे कि नाम से ही संबोधित हो रहा है कि हमारे जीवन की मौलिक इकाई यानी आधारभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका है। इसका तात्पर्य ये है बच्चों कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पर दो ही प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, एक सजीव और दूसरे निर्जीव। सजीव वो होते हैं जिनमें जीवन है, जो श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है। तो जब ये सजीव में जीवन है तो इनकी कोई आधारभूत इकाई होगी बच्चों, वही आधारभूत इकाई इनकी कोशिका है। जैसे कि आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा था कि पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, पदार्थ मतलब बहुत ही सूक्ष्म कण से मिलकर बनता है और वो होती है परमाणु। इसी तरह सजीवों में भी उसकी सबसे सूक्ष्मतम और आधारभूत इकाई कोशिका होती है। कोशिका बच्चों जंतु में भी पाई जाती है और पौधों में भी पाई जाती है। पौधों में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका और जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने एक पतली कॉर्क को लिया और उसके पतले पतले सेक्शन काटे, टुकड़े काटे, तो उन्होंने देखा कि कॉर्क में छोटे छोटे खाने पाए जाते हैं। जैसे आप सबने मधुमक्खी का छत्ता देखा है तो मधुमक्खी के छत्ते में आप देखते हैं कि वो छोटे छोटे से प्रकोष्ठ या खाने बने होते हैं, आप उन्हें छोटा कमरा भी कह सकते हैं, मधुमक्खी का छोटा कमरा। तो आपने उसमें देखा कि जो छोटे छोटे कमरे होते हैं, रॉबर्ट हुक ने इसी तरह पतले पतले छोटे छोटे प्रकोष्ठ उस कॉर्क में देखे और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया, इस अध्ययन को करके पता लगाया कि हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं वो भी एक सेल हैं, ऐसे ही छोटे कमरे के समान हैं और हमारे जीवन की आधारभूत इकाई हैं। तो कोशिका एक कोशिकीय प्राणी में भी पाई जाती है और बहुकोशिकीय प्राणियों में भी पाई जाती है। कोशिका का सिद्धांत बच्चों थियोडोर स्वान और स्लाइडन ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। कोशिका के बीच में एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। ये जीवित, यही कोशिका के जीवित होने का एक तरह से प्रमाण है। जो जीव द्रव्य कोशिका में बच्चों पाया जाता है, जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका, एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, उनके उसमें एक महत्वपूर्ण पदार्थ भरा रहता है कोशिका में और वो क्या कहलाता है बच्चों, जीव द्रव्य। पादप कोशिकाओं में इस जीव द्रव्य के किनारे किनारे एक और कोशिका पाई जाती है, वो जो निर्जीव कोशिका होती है उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति के भीतर ये जीव द्रव्य अंदर अंदर भरा रहता है। यह भित्ति किसकी बनी होती है बच्चों, सेलुलोज की बनी होती है और ये कठोर होती है। इसमें अनेक छिद्र होते हैं जिनमें से होकर एक कोशिका का जीव द्रव्य पास वाली दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य के संपर्क में आता है। सभी जीवों में जीव द्रव्य एक विशिष्ट कारखाने की भांति है जिसको पूर्ण रूप से कोशिका के अंदर ही उपस्थित कोशिकांकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वो जो जीव द्रव्य हमारी कोशिका में पाया जाता है, उस कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कोशिका के अंग। कोशिकांग माने कोशिका के अंदर कार्य करने वाले महत्वपूर्ण अंग, और यही अंग उस जीव द्रव्य का नियंत्रण करते हैं। इनमें से केंद्रक मुख्य अंग है। कोशिका के जितने भी अंग हैं बच्चों, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, केंद्रक। केंद्रक के अतिरिक्त समस्त जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य या कोशिका काय
कहते हैं। केंद्रक को छोड़कर पूरा जो जीव द्रव्य है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य या कोशिका काय। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिकांगों में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, माइक्रोसोम्स आदि होते हैं। ये सब कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और ये उसके कोशिकांग हैं। जंतु कोशिकाओं में भी इन सभी कोशिकांगों के अतिरिक्त तारक काय नामक संरचना भी उपस्थित होती है जिसे सेंट्रोसोम भी कहते हैं। पादप कोशिकाओं में विशेष कोशिकांग पाया जाता है जिसे आप लवक कहते हैं और इसे हम प्लास्टिड भी बच्चों कहते हैं। तो आपने आज क्या जाना कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है और कोशिका के जीव द्रव्य के अंतर्गत बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जो उसको नियंत्रित करते हैं। कल हम कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे और इसके आगे जानेंगे। थैंक यू।